महानायक अमिताभ बच्चन की सलामती के लिए पटना में फैंस ने दुआएं मांगी। उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा अर्चना की गई। पूजा में युवा डॉक्टर भी शामिल हुए। तो इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से महानायक अमिताभ बच्चन की सेहत की सलामती के लिए उनके जो फैंस हैं वो पूजा कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। दरअसल कल ये खबर आई कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके परिवार के और भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनका इलाज नानावती अस्पताल में चल रहा है। कोरोना की चपेट में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी आ चुके हैं और हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि पटना में उनके फैंस किस तरह से उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन ने जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन चिंता पूरे बिहार में हो रही है, पटना के लोगों को हो रही है, यूथ काफी बेचैन है क्योंकि अमिताभ बच्चन को सब लोग चाहते हैं और जल्द कुशल होने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं और क्यों यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं? अमिताभ बच्चन जी की हम स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वो नानावटी हॉस्पिटल में मुंबई में भर्ती हैं और महानायक के साथ साथ वो सबसे बेहतरीन इंसान है, दयालु इंसान है और बहुत लोगों की मदद भी करते हैं, गरीब दुखिया से जो सबकी मदद करते हैं। तो ऐसे एक महान कलाकार की, एक महान अभिनेता की, एक महान देशभक्त का हमारे बीच रहना बहुत जरूरी है। उनके लिए हम भगवान से आज पूजा पाठ कर रहे हैं। अमित जी ने अपने टैलेंट के बलबूते पर बॉलीवुड में एक अपना अलग चेहरा बनाया था, तो हमें लगता है कि आज अगर उस तरह के लोग नहीं मिले तो बहुत से बच्चों को इंस्पिरेशन नहीं मिल पाएगी या बहुत से नए चेहरों को इंस्पिरेशन नहीं मिल पाएगी जो अमित जी को देख के मिलती है। घर में भी कोरोना जो विश्व में फैला हुआ है, पूरा विश्व में कोरोना जो फैला हुआ है, उनके घर में भी दस्तक दे चुका है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो, सुधार हो उनके। उनके फैंस चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन कोरोना को हराएं और बाकी लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन का काम करें, इंस्पायर्ड करें लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग जो अधिक उम्र में अगर कोरोना के चपेट में आ जाते हैं तो उनके लिए हौसला हारने की गुंजाइश नहीं है, वो भी इस महामारी से जीत कर निकले। ये दुआ है सबकी और खासतौर से लोग चाहते हैं कि अमित जी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटे। कैमरा फिरोज, हमारे देश के टॉप 5 एक्टर में फर्स्ट 3 में वो होंगे और वैसे लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं जो कि खुद इतना परहेज से, इतने स्वच्छता से रहते होंगे वो लोग, लेकिन अगर ऐसी गंभीर स्थिति में वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो ये चिंता का विषय है। जल्द स्वच्छ हो जाए और हम लोग कल शाम में उनके लिए मंदिर भी गए थे और भगवान से प्रार्थना भी किए थे। भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों और हम लोग के महानायक हैं उनसे बहुत उम्मीद है। प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए जल्दी। उनको जो हुआ है वो बस माइनर सिम्टम्स है कोविड-19 का, तो उससे जल्दी वो उभर जाएंगे, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे वो, यही प्रे करते हैं। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित होने की खबर मिलते ही पटना के कंकड़बाग में यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया। तस्वीरों के साथ अमिताभ बच्चन के फैंस ने यज्ञ वेदी में पूर्णाहुति दी और उनके स्वस्थ होने की कामना की। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करके यज्ञ का समापन हुआ। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसे ही खबर उनके फैंस के बीच पहुंची, दुआओं का दौर जो है वो शुरू हो गया। हम इस वक्त पटना में कंकड़बाग कॉलोनी में हैं और यहाँ पे हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे भूतनाथ सेवा समिति है उनके जो सदस्य हैं वो लगातार पूजा पाठ हवन कर रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जो है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और उनके स्वस्थ होने की खबर जो है हम लोगों के बीच पहुंचे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे, सर ये जो आयोजन किया है आपने, ये क्या सोचकर किया है, क्या इसका उद्देश्य है? पहले तो मैं बता दूं कि श्री अमिताभ बच्चन हम लोगों के बहुत बड़े आइडियल हैं और बहुत ही बड़े नायक हैं और जब से हम लोगों को पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तब से हम लोग भी आहत हैं और हम उनको स्वस्थ होने के उपलक्ष्य में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करके आप उनको अपने घर वापस भेज दें। इसलिए हम लोग बैठ के हवन कर रहे हैं।
तो ये जो इनके फैंस हैं, अमिताभ बच्चन के फैंस हैं, उनके हाथ में बकायदा अमिताभ बच्चन की एक तस्वीर है जिसके साथ वो यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। जितने भी उनके फैंस हैं वो लगातार जो है आहुति दे रहे हैं और यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन स्वस्थ होकर लौटे और स्वस्थ हो जाए और जल्दी जो है उनकी अच्छी सेहत की खबर जो है भारत के लोगों को सुनने को मिले। कैमरा पर्सन निशांत के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर रांची में भी दुआओं का दौर जारी है। बिग बी के फैंस ने अल्बर्ट एक्का चौक पर स्थित दुर्गा मंदिर में हवन किया। मंत्रोच्चार के साथ सभी ने अमिताभ अभिषेक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है, लेकिन राजधानी रांची के अल्बर्ट चौक एक्का चौक के समीप दुर्गा मंदिर में कुछ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के फैन हैं जो हवन कर रहे हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं। ये हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की तस्वीर के साथ साथ हाथ में कोटेशन भी लिए हुए हैं, साथ ही सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहनकर हवन कर रहे हैं। क्या आज आप लोग जो हवन कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी और अभिषेक बच्चन जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे महानायक ठीक हो, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, हर किया जा रहा है जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन बिग बी के स्वस्थ होने के लिए। हम श्री अमिताभ बच्चन की से दुख है घड़ी में हम भक्त उनके साथ है, उनके लिए हम लोग महामृत्युंजय का जाप करके ताकि हवन करवा दे ताकि शीघ्र स्वस्थ होकर पुनः घर अपने वापस आ जाए। जल्द अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन स्वस्थ हो और अपने घर जाए, कोरोना को हराना है, अमिताभ बच्चन को स्वस्थ रहना है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर हवन का जो दौर है वो जारी है, जो मंत्रोच्चार है लगातार किए जा रहे हैं और सबके जुबान से बस एक ही बात निकल रहा है कि बिग बी जल्द स्वस्थ होंगे और घर लौटेंगे, कोरोना को हराएंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उनके समर्थक और उनके चाहने वाले मायूस हैं। रांची में भी समर्थक अमिताभ के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इनका कहना है कि बिग बी जल्द स्वस्थ होकर लोगों के बीच आए। अजीब लग रहा है, दुख भी हो रहा है, तो हम लोग तो यही ईश्वर से दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अमिताभ बच्चन को जो भी संदिग्ध हुए हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और फिर से हमें इंटरटेन करने के लिए एक्टिव हो जाए। हम भी चाहेंगे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि अभी तक इंडस्ट्री में बहुत लोग जा चुके हैं, तो हम नहीं चाहेंगे हमारे एक लेजेंड भी और भी कम हो जाए। तो हम और हमारे पूरे हीरो टीम की तरफ से हम चाहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। पूरा देश दुआ कर रहा है, पूरा दुनिया दुआ कर रहा है, यहाँ तक कि